दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी हैं, तो इस वीडियो में सभी अपडेट को कवर करते हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए यहाँ पर लोक सेवा आयोग से है, सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 के बारे में। आज 3 अक्टूबर को नोटिस जारी हुई और इस नोटिस में मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है, पाठ्यक्रम है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। साथ में एग्जाम डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एपीओ मुख्य परीक्षा 2022 4 और 5 दिसंबर 2022 को संपन्न करवाई जाएगी। इसमें जो परीक्षा पैटर्न होगा वो देखिए, 4 तारीख को आपका सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी, पेपर 1 होगा सुबह पाली में, और शाम पाली में सामान्य हिंदी होगा। 5 तारीख को क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर होगा सुबह पाली में, और शाम पाली में होगा लॉ ऑफ एविडेंस, ये पेपर करवाए जाएंगे, ठीक है। और परीक्षा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया गया है, और विशेष परिस्थिति में जो ये परीक्षा कार्यक्रम है बदला भी जा सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए, मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ में एक अपडेट है यहाँ पर आश्रम पद्धति प्रवक्ता भर्ती को लेकर के, जो अभ्यर्थी जीव विज्ञान संबंधित उनके लिए नोटिस जारी हुई है, और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो अभ्यर्थी जीव विज्ञान में सफल हुए हैं मुख्य परीक्षा में, उनका जो है अभिलेख सत्यापन होना है। 7 अक्टूबर को अभिलेख सत्यापन करवाया जाएगा 10 बजे से शाम तक में, जब तक हो पाएगा पूरा। 33 अभ्यर्थी इसमें हैं, तो सभी का एक ही दिन होगा 7 तारीख को। जो भी अभ्यर्थी से संबंधित है अपना, वो लोग वेबसाइट से जा कर के जो अपने लेटर वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, वो डाउनलोड कर सकते हैं और निर्धारित समय में लोक सेवा आयोग पहुँचे। अगली अपडेट यहाँ पर है UGC को लेकर के, UGC की तरफ से अब यहाँ पर देखें नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब कुछ दिन पहले इसकी न्यूज आई थी और यहाँ पर गाइडलाइंस अब आ गई हैं कि बिना नेट PhD के भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, यानी प्रोफेसर बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं, क्या नियम शर्तें हैं, इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान अब मशहूर एक्सपर्ट को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, जिसको POP नाम दिया गया है, इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस कैटेगरी के तहत फैकल्टी मेंबर्स के रूप में नियुक्त कर सकेंगे। इसके लिए औपचारिक शैक्षण की योग्यता जो होती है, नेट PhD और प्रकाशन की जो आवश्यकताएं होती है, वो अनिवार्य नहीं होंगी। UGC द्वारा शुक्रवार को अधिसूचित नए दिशा निर्देशों के अनुसार इंजीनियरिंग विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उद्यमिता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, सिविल सेवा और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। यानी जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बनने के लिए प्रोफेसर, नेट या PhD, वो चीज़ें इन पर लागू नहीं होंगी। इनको नाम दिया गया है POP, यानी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई, तो यहाँ पर बताया गया देखिए कि दिशा निर्देशों के अनुसार जिन व्यक्तियों ने अपने विशिष्ट पेशे या भूमिका में कम से कम 15 साल की सेवा की है या अनुभव प्राप्त किया है, वे इसके लिए नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया कि POP की जो संख्या होगी वहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं उसके 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किसी संस्थान में जो सेवा की अधिकतम सेवा 3 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3 साल से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। किसी विशेष मामलों में 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। और यहाँ पर बताया गया ये जो पद हैं परमानेंट नहीं है, और ना ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो वर्तमान में शिक्षण पद पर है या चाहे आप सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं, अगर शिक्षण से संबंधित हैं तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते, इसमें अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। अपॉइंट व्यक्ति वही हो सकता है जो किसी विशेष सेवा में रहा हो और उसको किसी एक्सपर्टाइज हो, और उसको यहाँ पर POP के पद पर रखा जा सकता है। अगली जो अपडेट है UP SSC को लेकर के है, UP SSC को देखिए यहाँ से 3 अक्टूबर को आज नोटिस जारी हुई, और ये नोटिस में प्रूफ रीडर भर्ती से, प्रूफ रीडर की भर्ती जो 2016 में आई थी, तो इसमें क्या मेरिट के आधार पर ये भर्ती होनी है। और पहले यहाँ पर लगभग 58.64% के ऊपर जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं पहुँचा। इस वजह से कट ऑफ को गिराते हुए दोबारा से यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है जो भी 58.4% से नीचे हैं और 38% के ऊपर हैं। ये मेरिट किस हिसाब से बनाई गई, तो ये मेरिट इंटर के आधार पर बनाई गई है। जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तो उनका इंटर का जो स्कोर है या समकक्ष परीक्षा जो भी उन्होंने क्वालिफाई किया उसके आधार पर ये मेरिट है। और यहाँ पर अब 38% से लेकर के 58.4% तक के जो भी अभ्यर्थी इंटर में मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो फॉर्म भरे थे, उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है।
भर्ती 2016 में आई थी और पदों की कुल संख्या यहाँ पर दो है। जो भी भर्ती इस पद से संबंधित हैं, फॉर्म भरे थे, वो UPSC की वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस पर क्लिक करके जो यहाँ पर लेटर वगैरह है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रमाण पत्र वगैरह है वो यहाँ पर अपना डाउनलोड करके प्रिंट करके आप निर्धारित समय में पहुँचेंगे, मतलब आपको भेजना लेटर। कैसे भेजना है आपको, तो यहाँ पर बताया गया है कि आज 3 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय रहेगा, और चाहे आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जा करके जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक द्वारा भी जा करके जमा कर सकते हैं। जो UPSC का एड्रेस है उसी पर आपको पोस्ट करना है, जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई हैं उनको वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको यहाँ पर फॉर्म भेज देना है। तो ये हो गई दोस्तों सारी डिटेल्स, ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।